अध्यापक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य अध्यापक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान गणेश जी के प्रार्थना करते हुए, क्योंकि गणेश जी का समय चल रहा है इस समय, प्रिय साथियों, आज आप पुनः यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर के स्थान पर आप एकत्रित हुए और सन 98 से लेकर के आप हम लोगों ने कईयों बार कई हड़ताल, भूख हड़ताल, कई प्रदर्शन किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को एक गेंद की तरह समझ लिया है, कहीं उधर पाली में पटक देती है, कहीं इधर पाली में पटक देती है। प्रिय साथियों, आज तक अपन लोगों को यह नहीं पता कि अपन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं, पंचायत के या शिक्षा विभाग के हैं। कहीं तो पंचायत विभाग के अधिकारी अपना हस्तक्षेप करते हैं, कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह अपन लोग कईयों बार हड़ताल धरना के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को बता चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपनी मांग को पूरी करने में लगी हुई है। कहीं तो चुनाव बाद पहले हमारी सरकार को बन जाने दो, उसके बाद हम आप लोगों को देखेंगे, मतलब अपने मतलब को आप सिद्ध करने के लिए लगे हुए हो। इन कर्मचारियों की, अध्यापकों की कोई सुनवाई नहीं है। साथियों, अभी मेरे कई भाई लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है, बार बार धरना प्रदर्शन करने से क्या फायदा, एक बार ही ऐसा धरना प्रदर्शन करो जिससे प्रदेश की सरकार को ये केंद्र में बैठी हुई सरकार हिला सके और निर्णय अपने पक्ष में कर सके। मैं आपसे पुनः यही बार बार निवेदन करूंगा, इस धरना प्रदर्शन को एकजुटता के साथ अपने आक्रोशित होने को होकर के और इस धरना प्रदर्शन को मजबूत बनाइए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, क्या करके मैं अपनी बारी को विराम दूंगा।